पीएम मोदी ने यात्रा की और दुनिया भर में ट्रेंड होने लगा लक्षद्वीप। दुनिया भर में लक्षद्वीप की बातें होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करने लगे, जिससे बौखलाए मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी भी कर दी, जिसके बाद पूरा देश पीएम मोदी के सपोर्ट में उतर आया। लोग मालदीव को बायकॉट करने की बात करने लगे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। यहां तक कि कई भारतीयों ने पीएम मोदी को सपोर्ट करते हुए और इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कहते हुए मालदीव के ट्रिप कैंसिल तक करा दिए। वहीं अब लक्षद्वीप और पीएम मोदी के सपोर्ट में बॉलीवुड उतर आया है। अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी, रणदीप हुड्डा, जैकलिन फर्नांडिस, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन समेत कई एक्टर्स ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मालदीव के कई मशहूर पब्लिक फिगर की ओर से कमेंट आए हैं जो भारतीयों पर बेहद घृणात्मक और नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी उस देश के साथ जो यहां से सबसे ज्यादा नंबर्स में सैलानी वहां भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी अकारण नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रशंसा भी की है, लेकिन गरिमा पहले है। आइए हम भारतीय द्वीपों की खोज करने का निर्णय लें और अपने स्वयं के पर्यटन का समर्थन करें। लक्षद्वीप पर छिड़ी बहस पर सलमान खान ने लक्षद्वीप का समर्थन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये द्वीप हमारे भारत में है। जॉन अब्राहम ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए एक्स पर लिखा, अद्भुत भारतीय हॉस्पिटैलिटी, अतिथि देवो भव के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ लक्षद्वीप जाने लायक है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने लक्षद्वीप की फोटो शेयर कर लिखा, ये सभी फोटोज और मीम्स मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। लक्षद्वीप में बेहद खूबसूरत बीच और कोस्ट लाइंस हैं जो लोकल कल्चर को दर्शाते हैं। मैं एक छुट्टी लेने के लिए तड़प रही हूँ, तो क्यों नहीं इस साल इंडियन आइलैंड को एक्सप्लोर किया जाए। वहीं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने मालदीव के मंत्रियों को भारत विरोधी ट्वीट करने पर जमकर फटकार लगाई। कंगना ने मंत्रियों को जवाब देते हुए लिखा, गंध, स्थाई गंध क्या? ये एक ही समुदाय के होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मुस्लिम भय से पीड़ित हैं। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। मालदीव की प्रमुख हस्ती द्वारा उन्हें बदबूदार कहना नस्लवादी और अज्ञानता को दर्शाता है। लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60,000 लोगों की है, जिसका अर्थ यह है कि यह लगभग अछूता अज्ञान द्वीप है। इतने घटिया और अभद्र नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी, रणदीप हुड्डा, जगन फर्नांडिस, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन ने लोगों से अपील की वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लक्षद्वीप पहुंचे। एक्टर्स के इन पोस्ट पर यूजर्स भी कमेंट करके सपोर्ट कर रहे हैं। हर भारतीय विदेश जाने के बजाय पहले भारतीय टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करने और भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद मालदीव सरकार को बयान तक जारी करना पड़ गया। बयान के मुताबिक सोशल मीडिया पर विदेशी नेताओं और अहम लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों पर मालदीव सरकार की नजर है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि मालदीव सरकार का ये बयान आने के कुछ देर बाद ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव सरकार के प्रवक्ता मंत्री इब्राहिम खलील ने इस बात की जानकारी दी है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।